नमस्कार, हिंदुस्तान टुडे देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ भूमिका। आइए देखिए खबर। देपालपुर से श्री राजपूत कड़ी सेना। सर्व राजपूत समाज ने पुलिस थाने का घेराव कर पुलिस से झूठा केस वापस लेने की मांग रखी है। पुलिस के खिलाफ झूठी कार्रवाई को लेकर नाराजगी जाहिर की। पुलिस ने जिसे फरियादी बनाकर प्रकरण दर्ज किया, उसने मेडिकल के तहत खुलासा करते हुए कहा कि मैंने कोई शिकायत नहीं की, मुझे थाने पर बुलाकर 3 कोरे कागज पर दस्तखत कराए। राजपूत समाज भी हमारे भाई हैं, क्योंकि हम हिंदू हैं और हिंदुस्तान हमारा है। दरअसल बीते दिनों देपालपुर में राजपूत समाज कड़ी सेना द्वारा सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर नारेबाजी की गई थी, जिसके बाद देपालपुर पुलिस ने राजपूत समाज के 30 से अधिक लोगों पर मामला दर्ज किया। पुलिस ने जिस युवक को फरियादी बनाकर राजपूत समाज के लोगों पर केस दर्ज किया, उस युवक ने पुलिस पर आरोप लगाया कि मुझ पर दबाव बनाकर पुलिस ने कोरे कागजों पर हस्ताक्षर करवा लिए हैं। हुआ था कि कर्णी सेना वालों का जुलूस निकल रहा था और मैं मेरी दुकान पर खड़ा था, तब हरवेंद्र यादव जी आए। उन्होंने मुझे बुलाया, बोले कि यार 5 मिनट का काम है तो थाने चल। फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि तेरी समाज क्या है। मैंने बोलता है मेरा समाज चमार समाज का हूँ मैं। फिर बोलते हैं कि चल 5 मिनट का काम है तो तू थाने चल। मेरे को ऐसे करके बिठाया उन्होंने। बिठाने के बाद वो दुकान पे थाने पे ले गए। वहाँ पर 3 या 3.5 घंटे बिठाया और कोरे कागज़ पर साइन करवाई और मेरा नाम पूछा, मेरे माता पिता का नाम पूछा। फिर थोड़ी देर बाद उन्होंने छोड़ दिया। इतनी बातचीत हुई है कि जो अगर उसमें कहीं कोई कार्रवाई जो की जा रही है, अगर उसमें कहीं कुछ गलती हुई हो तो उसमें, तो मैंने वही कहा कि उसमें हम जांच करके जो भी सही कार्रवाई होगी वही कार्रवाई करेंगे उसमें।